सन्नाटे के बीच उठा बाबा सिद्दीकी का जनाजा, छाया मातम। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात 3 आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोली लगने के बाद सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद रविवार सुबह उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई नगर निगम के कपूर अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को मुंबई स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। इसके बाद राज्य के कई मशहूर नेता, बॉलीवुड अभिनेता बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद रात करीब 8 बजे बाबा सिद्दीकी का शव घर से बाहर लाया गया। इस मौके पर नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा के बाद बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी को सलामी दी। बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में समर्थक उमड़ पड़े थे। बाबा सिद्दीकी का जनाजा उनके बांद्रा स्थित आवास से मरीन लाइंस स्थित बड़ा कब्रस्तान तक ले जाया गया। इस समय भारी बारिश हो रही थी। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। सिद्दीकी ने अपनी उम्र के लगभग 4 दशक तक कांग्रेस के साथ काम किया। वो कुछ महीने पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी को एक नरम दिल इंसान माना जाता है, क्योंकि उनके सभी पार्टी नेताओं के साथ बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। रविवार को मुंबई पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें खास बात ये रही कि रिमांड कॉपी में कहीं भी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गैंग का जिक्र नहीं किया है। मुंबई पुलिस जांच के दौरान पहले आरोपियों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन की तहकीकात कर लेना चाहती है।